मध्य प्रदेश के झाबुआ में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल जिले में लोकसभा का उपचुनाव होना है। बीजेपी सांसद दिलीप सिंह भूरिया के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। मध्य प्रदेश का ये सीमावर्ती जिला गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ है। आदिवासी बहुल इस इलाके में घोर गरीबी और बेकारी है। झाबुआ जिले की सीट हमेशा से कांग्रेस के पास रही, लेकिन 2014 में मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के पास आ गई। अब बदले माहौल में बीजेपी को डर सता रहा है। तभी शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में 4 से 5 सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। शिवराज सरकार के 10 से ज्यादा मंत्री और 40 से ज्यादा विधायकों ने भी चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को ही टिकट दिया। कांग्रेस ने इलाके के आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को अपना उम्मीदवार चुना है, जो 4 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। झाबुआ एक जमाने में समाजवादियों का गढ़ रहा है। 2 दफा यहां से सोशलिस्ट पार्टी के सांसद जीते हैं, इसीलिए जेडीयू ने भी यहां अपना प्रत्याशी उतारा है। शरद यादव ने भी यहां प्रचार किया। झाबुआ में हो रहे उपचुनाव में पेटलावद में हुआ ब्लास्ट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेटलावद की इस बिल्डिंग में 2 महीने पहले हुए ब्लास्ट में 80 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। मारे जाने वाले लोगों के परिजन आज भी सरकार की राहत राशि का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जो बहुत सारी घोषणाएं की थी वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, तो अपने घर आने वाले नेताओं से बार बार जनता यही पूछ रही है कि उन राहत के वायदों का क्या हुआ। निश्चित ही इन तमाम बातों से बीजेपी को इस जगह पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। झाबुआ लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है।